सब्सक्राइब कीजिए सिंपल्स किचन को और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी कोई भी रेसिपी आपसे मिस ना हो। इट्स टोटली फ्री। हेलो फ्रेंड्स, सिंपल्स किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सी, बहुत ही डिलीशियस और सबकी फेवरेट रेसिपी बताने जा रही हूँ, चिकन बिरयानी। लेकिन आज की जो चिकन बिरयानी है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत ही आसान तरीके से बताऊँगी और इतने कम समय में आपकी रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन बिरयानी बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो कम मेहनत में आज की जो मैं आपको रेसिपी है वो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी। तो चलिए देख लेते हैं कि सिंपल सी चिकन बिरयानी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे 500 ग्राम चिकन ले लिया है। मैंने ये जो लेग पीस है उसको कट कर लिया है। आप अगर फुल लेग पीस ले रहे हो तो आप इसे बीच में से कट्स लगा लीजिए, जिसकी वजह से ये जो मसाला है, सारा जो मैरिनेशन है वो उसमें अच्छे से चला जाए। तो यहाँ पे 500 ग्राम चिकन के लिए मैंने 500 ग्राम राइस ले लिए हैं। मैं यहाँ पे बासमती राइस यूज़ कर रही हूँ, लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस। आप बिरयानी के कोई भी राइस ले सकते हैं। और इस राइस को मैंने आधा घंटा पहले पानी में भिगो के रख दिया था, जिसकी वजह से राइस अच्छे से फूल चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पे दो मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए हैं, जिसको कि मैंने पतला पतला सा स्लाइस में इस तरह से कट कर लिया है। दो मीडियम साइज़ के टमाटर बारीक चॉप किए हुए। यहाँ पे पुदीना पत्ती ले लेंगे थोड़ा सा। और यहाँ पे 7 से 8 हरी मिर्च है, जिसको कि मैंने बीच में से इस तरह से कट कर लिया है। अब हमें चाहिए हरा धनिया बारीक कटा हुआ। अब यहाँ पे कुछ खड़े मसाले और कुछ पाउडर मसाले लगेंगे हमें। तो उसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि खड़े मसालों में मैंने 2 से 3 तेज़पत्ता, 3 से 4 हरी इलायची, 2 यहाँ पर दालचीनी के छोटे टुकड़े और यहाँ पर 1 से 1.5 टेबल स्पून शाह जीरा ले लिया है चावल को बॉयल करने के लिए। अब गरम मसाला मैंने यहाँ पे ले लिया है। ये एक स्पेशल गरम मसाला है जो मैंने स्पेशली बिरयानी बनाने के लिए यूज़ किया है, जिसमें सारे जो खड़े गरम मसाले हैं उसको मैंने इक्वल अमाउंट में लेके अब इस मसाले को अच्छे से पीस लिया है। ये अगर आप मसाला डालोगे तो आपको बिरयानी मसाला या किसी भी और मसाले डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए, ये मसाला बनकर बिल्कुल तैयार है। अगर आप चाहें तो इसकी रेसिपी मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए इसकी रेसिपी बना लूँगी। तो इन सब के अलावा अब यहाँ पर रेगुलर जो हमारे स्पाइसेस है, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर और धनिया पाउडर, ये सब मैंने ले लिया है आधा आधा टीस्पून, क्योंकि हमने ये पहले ही चिकन बिरयानी वाला जो गरम मसाला है वो ले रखा था। तो इन मसालों की हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब हमने यहाँ पे सारे इंग्रेडिएंट्स देख लिए हैं। तो इन सब के अलावा चिकन को मैरिनेट करने के लिए और चिकन की लेयर लगाने के लिए यहाँ पे मैं ले लूँगी 1 बड़ा कप दही, अदरक और लहसुन का पेस्ट ले लेंगे 1.5 टेबल स्पून। यहाँ पे मैं प्योर घी यूज़ कर रही हूँ बिरयानी को बनाने के लिए, उसमें लेयर लगाने के लिए। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप प्योर घी यूज़ करें, इसकी वजह से इसका जो टेस्ट है ना वो काफ़ी बढ़ जाता है। और जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने 2 फूड कलर ले लिए हैं, यहाँ पे येलो और रेड फूड कलर, जिसको मैंने पानी में डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप इसके बजाय केसर ले सकते हैं या तो फिर इन कलर को, फूड कलर को स्किप कर सकते हैं। तब यहाँ पे सारे इंग्रेडिएंट्स देखने के बाद सबसे पहली स्टेप हम यहाँ पे देख लेते हैं, चिकन को मैरिनेट करना। तो चिकन बिरयानी ये जो बनाएंगे इसकी फर्स्ट स्टेप जो है चिकन को मैरिनेट करना, बहुत ही ज़्यादा आसान है। आपको सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं उन सबको मिक्स कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले डाल दिया है सभी पाउडर मसाले और गर्म मसाला, साथ ही में 2 तेज़पत्ता ले लेंगे, जिसको यहाँ पर मैंने तोड़ के इस तरह से डाल दिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं कुछ पुदीना पत्ती और कुछ हरा धनिया यहाँ पे डाल दूँगी, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि पुदीना पत्ती को काट के नहीं, हाथों से तोड़ के डालें। इसके वजह से इसका जो फ्लेवर है वो और भी ज़्यादा। तो यहाँ पे मैंने हरी मिर्च भी डाल दी है जो मैंने पहले ही काट के रख दी थी। और यहाँ पे जो बारीक कटे हुए टमाटर है वो भी डाल देंगे। अब कुछ लोग कहते हैं कि बिरयानी में टमाटर नहीं डालते हैं, लेकिन आप इस बिरयानी को ना इस तरह से एक बार बना के देखिए, आप खुद ही समझ जाओगे कि ये बिरयानी कितनी ज़्यादा डिलीशियस लगती है। तो टमाटर, हरा धनिया डालने के बाद मैं यहाँ पर डाल दूँगी थोड़ा सा घी। सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो एक साथ हमें ऐड कर लेने हैं। तो यहाँ पे मैं अपने अदरक लहसुन की पेस्ट भी ऐड कर दी है और साथ ही मैं यहाँ पे जो मैंने 1 बड़ा कप दही ले लिया था, दही भी ऐड कर दिया है। मैंने यहाँ पे फ्रेश दही यूज़ किया था जो बहुत भी ज़्यादा खट्टा नहीं है। अगर आपका दही बहुत ही कम खट्टा है तो आप इसमें थोड़ा सा नींबू भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया है और अब हम इन सबको बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैं हाथों से मिक्स कर रही हूँ ताकि ये जो सारे स्पाइसेस है वो काफ़ी अच्छे से मिक्स हो जाए और चिकन में अच्छे से लग जाए और हमारा जो चिकन है ना वो काफ़ी अच्छे से मैरिनेट हो जाए। तो आप ये देखिए, इन सबको बहुत ही अच्छे से मैं यहाँ पर मिक्स कर रही हूँ। और अब मैं इन सबको मिक्स करते हुए इसी में ऐड कर दूँगी रेड फूड कलर। ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है, आप अगर चाहें ना तो इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन बिरयानी जो है वो टेस्ट के साथ साथ
दिखने में भी अच्छी दिखे, इसके लिए मैं यहाँ पे इसमें रेड फूड कलर ऐड कर रही हूँ। तो अभी यहाँ पे मैंने इस सबको बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे ढक के रख देते हैं आधे घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए, और तब तक हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं, यानी कि राइस बॉयल करना और ऑनियन को फ्राई करना। अब मैरिनेशन में हमारी जो सारी प्रोसेस है वो कंप्लीट होने में बस एक स्टेप बाकी है कि जो हमारी जो ऑनियन है उसको फ्राई करना। तो हमारी ऑनियन फ्राई करके हम जैसे ही उसमें डाल देंगे, हमारी जो मैरिनेशन की प्रोसेस है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। अब यहाँ पे हम राइस को बॉईल कर लेंगे। तो राइस बॉईल करने के लिए मैंने पानी यहाँ पे पहले ही बॉईल करने के लिए रख दिया था। अब जितने आप राइस लोगे उससे आपको 3 से 4 गुना ज़्यादा पानी लेना है बॉईल करने के लिए। उसमें हमने जो सारे खड़े मसाले लिए थे वो खड़े मसाले मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगी, जैसे कि तेज़पत्ता, हरी इलायची, शाहजीरा और दालचीनी के 2 छोटे टुकड़े। अब इन सबको डालने के बाद पानी को अच्छे से बॉईल कर लेंगे। साथ ही मैं यहाँ पर थोड़ा सा नमक ऐड कर दूँगी। अब जब भी आप यहाँ पे नमक ऐड करोगे ना, तो नमक थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड करोगे, क्योंकि ये बिरयानी के जो राइस हम बॉईल करते हैं तो पानी इसमें से ड्रेन हो जाता है, इसके वजह से जो चावल है उसमें नमक अच्छे से रह जाना चाहिए। तो इतना यहाँ पे हम नमक ऐड करेंगे और साथ ही में डाल देंगे ऑयल। ऑयल डालने की वजह से हमारे जो राइस है वो एक दूसरे से अच्छे से खिले खिले बनते हैं और बिल्कुल भी एक दूसरे से नहीं चिपकते। तो यहाँ पे राइस ऐड करने के बाद अब हम चावलों को पानी को अच्छे से बॉईल कर लेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 से 3 मिनट में ही चावल के पानी जो है वो अच्छे से उबलने लगे हैं। तो अब यहाँ पे जब पानी अच्छे से उबल चुका है तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी राइस। और राइस को डालने के बाद यहाँ पे एक सबसे इम्पॉर्टेंट टिप, आपको 2 मिनट तक के राइस को छेड़ना नहीं है, ऐसे ही इसे कुक होने देंगे, ऐसे ही इसे बॉईल होने देंगे। अगर आप अभी इसे स्टर करोगे तो राइस हमारे टूट सकते हैं। तो 2 मिनट तक के इसे ऐसे ही बॉईल होने देंगे। 2 मिनट बाद आप इसे एक बार मिक्स करके और इसे बॉईल कर लेंगे। लेकिन जब आप यहाँ पे राइस बॉईल करोगे तो आप अगर चाहते हो कि आपकी जो चिकन बिरयानी है वो चिपचिपी ना बने और खिली खिली बने, तो आपको राइस को सिर्फ 70% ही कुक करना है। अब 70% हम इस तरह से समझेंगे कि जब आप राइस कुक कर लोगे तो जैसे ही हमारे राइस को एक राइस को लेके दबा के आप देखोगे तो उसमें थोड़ी सी कनी रह जानी चाहिए, इस तरह से राइस को कुक कर लेंगे। तो जब तक हमारे राइस यहाँ पे बॉईल हो रहे हैं तब तक हम यहाँ पे ऑनियन फ्राई कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक पैन ले लिया है और उसमें डाल दिया है तेल, और इसमें मैं ऑनियन डाल दूंगी। यहाँ पे मैं एक साथ पूरा ऑनियन नहीं फ्राई कर रही हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा करके ऑनियन डालते जाऊँगी और इन सबको अच्छे से फ्राई करती जाऊँगी। तो ये देखिए तेल अच्छे से गर्म हो चुका था और ऑनियन मैंने यहाँ पे इसमें डाल दिए हैं। अब इनको चला के हमें बहुत ही अच्छे से फ्राई कर लेना है, लगातार चलाते रहेंगे इसे, ताकि ये डार्क ना हो या तो फिर इसका जो कलर है वो एक ही साइड से चेंज ना हो। तो सब साइड से इसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन करने के लिए हम इसे लगातार चलाते रहेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 से 3 मिनट में ही हमारी जो ऑनियन है वो बिल्कुल ही अच्छे से फ्राई हो जाएगी। और जब तक हमारी यहाँ पे ऑनियन हो रही है तब तक आप देख सकते हैं कि राइस जो अच्छे से उबलने लगे हैं। इसको एक बार स्टर कर देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे इसे बॉईल होने देंगे। और तब तक हमारी ऑनियन भी यहाँ पे फ्राई हो चुकी है, ऑनियन अच्छे से फ्राई हो चुकी है। बस इसी स्टेप तक के हमें यहाँ पे इसे फ्राई करना है। अगर हम इसे बहुत भी ज़्यादा फ्राई करेंगे तो ये ओवर कुक हो जाएगी और बहुत ही ज़्यादा काली लगने लगेगी, क्योंकि ऑनियन जो निकालते हैं उसकी कुकिंग प्रोसेस ऑनियन निकालने के बाद में भी स्टार्ट रहती है। इसके लिए ऑनियन जो है वो पहले ही निकाल लेंगे। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ऑनियन भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं और यहाँ पे राइस भी मैंने अच्छे से कुक कर लिए हैं, राइस बॉईल हो चुके हैं। अब आप यहाँ देखोगे एक राइस यहाँ पे लेके और इसे प्रेस करके देखोगे तो इसमें एक कनी रह गई है। बस इतने ही हमें राइस को कुक करना है, यानी कि 70%। अब मैं राइस को अच्छे से ड्रेन कर लूँगी, इसका जो सारा पानी है वो निकाल लेंगे। और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राइस अच्छे से बॉईल हो चुके हैं, चिकन अच्छे से मैरिनेट हो चुका है और हमारे जो ऑनियन है वो भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब यहाँ पे ऑनियन ऐड कर देंगे हमारे जो मैरिनेटेड चिकन है उसमें, और इन ऑनियन को ऐड करने के बाद हमारे जो मैरिनेटेड चिकन है उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि हमारे जो ऑनियन है वो सब इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। और साथ ही मैं यहाँ पे अब इसमें ऐड कर दूँगी थोड़ा सा ऑयल। ऑयल मैं यहाँ पे वही वाला इस्तेमाल कर रही हूँ जो हमने ऑनियन को फ्राई किया था। तो ऑनियन फ्राई किया हुआ ऑनियन ऑयल ही हमें इसमें यूज़ करना है। तो यहाँ पे इसे बहुत ही अच्छे से अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। आप अगर चाहें तो यहाँ पर एक बार नमक में चेक कर सकते हैं। अब इन सबको मिक्स करके हम एक साइड में रख देते हैं और चलते हैं बिरयानी बनाने की तरफ। तो यहाँ पे बिरयानी बनाने के लिए मैंने सेम हांडी यूज़ की है जिसमें मैंने यहाँ पे ऑनियन को फ्राई किया था। अब इसी में मैं ऐड कर दूँगी चिकन। तो चिकन हमारा काफ़ी अच्छे से मैरिनेट हो चुका है, तो मैंने यहाँ पे पहले इसमें चिकन ऐड कर दिया है। अब इसे
हाई फ्लेम पे 2 मिनट तक के पकने देंगे। उसके बाद हम इसे ढककर कम से कम 15 से 20 मिनट तक के पका लेंगे। चिकन को हमें तब तक के पका लेना है जब तक हमारा चिकन जो है कम्प्लीटली टेंडर नहीं हो जाता, यानी कि कम्प्लीटली पक नहीं जाता, और जो ग्रेवी है इसके अंदर जो एक्स्ट्रा पानी छोड़ दिया है वो अच्छे से कम्प्लीटली ड्राई नहीं हो जाता। तो 10 से 15 मिनट बाद ही आप देखोगे कि यहाँ पर चिकन काफ़ी अच्छे से हो चुका है। बीच बीच में आप इसे एक से दो बार अच्छे से मिक्स करते जाइए और चिकन यहाँ पर काफ़ी अच्छे से टेंडर हो चुका है। एक चिकन का पीस ले लेंगे और इसे थोड़ा सा प्रेस करके देख लेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि चिकन जो है हड्डी से अलग हो चुका है, यानी कि चिकन पूरी तरह से टेंडर हो चुका है। अब इतनी जो नीचे ग्रेवी बची है ना उसको नीचे ऐसे ही रहने देंगे, क्योंकि हमने राइस को 70% कुक किया है तो उसमें ये बराबर से एब्जॉर्ब होके और राइस अच्छे से कुक हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर फर्स्ट लेयर हम इसकी लगा देंगे राइस। नीचे हमने चिकन की जो यखनी बनाई है वो रहने देंगे, उसके बाद हम फर्स्ट लेयर राइस की लगा देंगे और इसे एकदम अच्छे से इक्वली स्प्रेड कर देंगे। और जैसे ही हम राइस को यहाँ पे अच्छे से स्प्रेड कर देंगे, हम इसमें बाकी की जो हमारी लेयरिंग है वो भी कर देंगे। जैसे कि हम यहाँ पे डाल देंगे इसमें पुदीना पत्ती, हरा धनिया, फ्राइड ऑनियन और थोड़ा सा घी। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर डाल दिया है फ्राइड ऑनियन, हरा धनिया, पुदीना पत्ती को जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर हाथों से तोड़ के डालेंगे, इसे काट के नहीं डालेंगे। थोड़ा सा देसी घी ऐड कर देंगे यहाँ पे, और मैंने आपको बताया मैं प्योर घी यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी घी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन घी की वजह से इसका जो फ्लेवर है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसका जो टेस्ट है वो बढ़ जाता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि इसमें घी ज़रूर ऐड करें। और जो फूड कलर मैंने अलग से यहाँ पर मिक्स करके रख दिया था, तो उसमें से मैंने रेड फूड कलर यहाँ पर डाल दिया है। अब हम कर देंगे इसकी सेकेंड लेयर। तो सेकेंड लेयर के लिए बचा हुआ जितना भी राइस है मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है और उन सबको बहुत ही अच्छे से इक्वली स्प्रेड कर दिया है। अब सेम बिल्कुल जैसे हमने पहले किया वैसे ही यहाँ पर पुदीना पत्ती और हरा धनिया को भी तोड़ के यहाँ पर डाल देंगे। साथ ही मैं यहाँ पर अब येल्लो फूड कलर जो है उसको मैं डाल दूँगी। हमने 2 लेयरिंग में 2 फूड कलर ऐड किए हैं, इसके वजह से ये जो राइस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे कलरफुल दिखते हैं। साथ ही में ऐड कर देंगे घी, और यहाँ देसी घी ऐड करने के बाद मैं इसमें फ्राइड ऑनियन डालूंगी ताकि ये ऊपर से भी दिखने में और ज़्यादा खूबसूरत दिखे। और यहाँ पे हमारी जो लेयरिंग वाली प्रोसेस है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं इसे एक लीड से ढक दूंगी। अब आप यहाँ पे चाहे तो इसे आटे से सील कर सकते हैं, या तो फिर आप इसे एक कपड़े से ढक सकते हैं, जिसकी वजह से ये जो एयर है वो बाहर नहीं जानी चाहिए, अच्छे से हमारी जो बिरयानी है वो दम अच्छे से हो जानी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर एक कपड़ा ले लिया है, उस पर लीड को अच्छे से कवर कर लिया और यहाँ पर कपड़े को अच्छे से ढक दिया है। ये देखिए यहाँ पर अब ये बिल्कुल ही अच्छे से टाइट हो चुका है, जिसकी वजह से इसकी जो स्टीम है वो बाहर नहीं जाएगी। तो यहाँ पे मैं इसे ढक के 10 से 15 मिनट तक के अच्छे से कुक कर लूँगी, जिसकी वजह से हमारी जो बिरयानी है वो बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हो जाएगी। आप 10 से 15 मिनट बाद देखोगे कि एक एक दाना कितना खिला खिला बना है और हमारी बिरयानी कितनी परफेक्ट कुक हो चुकी है। तो अब यहाँ पे 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं कि बहुत ही डिलीशियस हमारी बिरयानी दिख रही है। अब मैं इसे आपको एक बार चेक करके दिखा देती हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सारे दाने कितने अलग से कितने खिले खिले दिख रहे हैं, और जितनी हमारी बिरयानी दिखने में खूबसूरत है ना उतनी ही खाने में टेस्टी है। ये देखिए एक एक दाना बिल्कुल सेपरेट है, क्योंकि हमने यहाँ पे राइस को 70% ही कुक किया था, बाकी का राइस दम में अच्छे से कुक हो चुका है। तो अब मैं इसको सर्व करके भी दिखा देती हूँ। तो ये देखिए हमारी जो चिकन बिरयानी है बहुत ही सिंपल सी बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आपको यहाँ पे करना कुछ नहीं था, बस सारे जो हमने इंग्रेडिएंट्स लिए थे उन सबको चिकन में अच्छे से मिक्स कर लिया, राइस को बॉईल कर लिया, ऑनियन फ्राई करके और फिर चिकन बिरयानी को बना लिया। तो बहुत ही सिंपल सी प्रोसेस थी। आप इस बिरयानी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर कोई